हे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हमने मंगवाया है कुछ लिथियम आयन सेल्स, और ये हमने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। तो चलिए देखते हैं इसकी किस टाइप की इसकी क्वालिटी आने वाली है। और इससे पहले जो है मैंने एक आरसी कार बनाया था, उसका जो है आपको मतलब जो है शॉर्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसी के लिए हमको एक पावरफुल बैटरी पैक बनाना है, जिसके लिए हमने ये जो है 10 पीसेस लिथियम आयन बैटरी ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से। तो सारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, क्या इसको ख़रीदना चाहिए, किस टाइप की इसमें की मतलब जो है बैटरी निकलती है, एंड कितना प्राइस है, सारा कुछ इस वाले वीडियो में बताऊंगा। एंड इससे पहले भी मैं 2 बैटरीज का अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, तो उस वाले वीडियो को जो है आप लोग ज़रूर से देखिएगा मेरे चैनल पर जाके। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने देसी भाई को सपोर्ट कीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमको ये मिल चुका है मेरा जो है 10 पीसेस का लिथियम आयन बैटरी पैक। एंड इसको जो हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, कुछ इस टाइप के देख सकते हो, ई कार्ट जो कि फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड इसको हमने जो है 10 पीसेस मंगाया है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये निकला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो किसी अदर प्रोडक्ट का यहाँ पे जो है कूट, सिर्फ और सिर्फ गद्दा जिसको बोलते हैं, वो मेरे को मिला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये है बैटरी, ठीक है, इसके अंदर जो है 10 पीसेस मेरा बैटरी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप की जो है रैपर में इसको लपेट के रैप करके भेजा गया है। निकाल लेते हैं, एक रैपर, ये 2 रैपर, एंड ये लास्ट जो है वो 3। तो लगभग देख सकते हो 3 रैपर में हमको जो है ये लपेट के एंड ये लिथियम आयन सेल दिया गया है। सो गाइस देख सकते हो इस टाइप से कुछ हमें यहाँ पे बैटरी मिला है। एंड ये पूरा का पूरा जो है 10 पीसेस यहाँ पे है, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और ये 2 10, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की हमको ये बैटरी मिला है। एंड ये जो है वो ब्लू कलर में है, ठीक है, ब्लू कलर नहीं है, बैगनी कलर में है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। एंड ये जो बैटरी है उसकी जो है वो मतलब वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की है। मैं आपको आगे जो है इसकी वेट टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। एंड ये वाला जो बैटरी है वो इसका वेट जो है किस टाइप का लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आप सबों को वीडियो दिख रही होगी, मैंने इस वाले वीडियो में जो है एक बैटरी अनबॉक्स किया था, उसी के जस्ट उसी के जैसा इसका जो है वो वेट है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सो गाइस चलिए मैं आप सबों को एक एक सेल की जो है वोल्टेज चेक करवा के बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 3.4 वोल्ट की जो है बैटरी, 3.7 वोल्ट की होती है, 4 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे देख सकते हो 4 वोल्ट है, सो गाइस देख लिया आपने सारी की जो बैटरीज है, मतलब सभी बैटरीज की जो वोल्टेज है वो ठीक ठाक आ रही है, मतलब जितना वोल्टेज रखना चाहिए उतना इसमें वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। एंड आप सबों को ये बैटरी दिखा दूँ तो कुछ इस टाइप की ये बैटरी है। एंड ये जो है ये स्टार या फिर ईस्टर करके आप लोग बताइएगा कि क्या है, ठीक है। ये इस कंपनी की जो है बैटरी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 3.7 वोल्ट में और 2000 mAh में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की ये जो बैटरी है, बट इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था बैटरी किलो के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सेम टू सेम उसी टाइप का ये बैटरी मेरे को मिला है। तो उस वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि उस बैटरी को जो हमने रिप्लेस करने का ऑप्शन था मेरे को, तो उस बैटरी को हमने रिप्लेस किया। तो उसके बदले में जो है मेरे को बैटरी मिला था, मैं उस बैटरी के साथ आपको इस बैटरी का कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बड़े ही भाग से मेरे पास उसका बक्सा भी है, मतलब कि बॉक्स है, कुछ इसी टाइप का ये बैटरी मेरे को दोबारा मिला था। एंड ये जो बैटरी है वो रिप्लेस करके जो है मेरे को दोबारा मिला था, ठीक है। पहले मैंने मंगाया था तो कुछ इसी टाइप का था, एंड आगे के साइज जो है वो नोक निकला था, ठीक है। जो लोग भी नहीं जान रहे हैं वो लोग इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आप सबों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से मैं बैटरी निकालता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप की ये वाली बैटरी मेरे को मिली थी, कुछ इस टाइप की। एंड ये जो बैटरी है और ये जो बैटरी है, इन दोनों में जो है भाई ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है, एंड ये जो है उससे काफ़ी ज़्यादा भारी है। मैं हाथ से आपको नहीं बता सकता, इसीलिए जो है मैंने आप सबों के लिए एक वेइंग स्केल ख़रीद लिया है कुछ इस टाइप का। एंड इसकी जो है अनबॉक्सिंग वीडियो यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए इसको जो है हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कितना इसका वेट है। सो गाइस चलिए तराजू को ऑन करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, एंड चलिए आप सबों को टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस वाले पुरानी बैटरी को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, सॉरी नई वाली बैटरी को जो कि अभी अभी मेरे को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखते हैं,
एंड गाइज ये देख सकते हो ये जो बैटरी है वो 27 ग्राम का है। और यहीं पे ये वाले बैटरी को देख लेते हैं, इसकी जो कंपनी है वो मैं आप सबों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इसकी कोई कंपनी नहीं है, पता नहीं ये किसी चीज़ का जो है साइन है किसी भी कंपनी का होगा, बट यहाँ पे देख सकते हो ये 2000 mAh का बैटरी है एंड यहाँ पे सारा कुछ सेम सेम ही लिखा हुआ है। बट इसकी जो वेट है वो मैं आप सबों को दिखाता हूँ। भाई साहब ये देखो, ये यानी कि 43 grams के हैं एंड ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ 28 grams का, यानी कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, यानी कि ये 28 grams का और ये जो है वो 42 grams का, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसका 4 batteries डाल देता हूँ, देख सकते हो 4 batteries अभी मेरे पास अवेलेबल है और ये सबका जो है हमने दूसरा दूसरा काम कर लिया, ठीक है। तो ये 4 batteries का जो है वेट वो आ रहा है 210 grams, और 210 grams पुराने के लिए इसमें देखते हैं कितना बैटरी हमको डालना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओ भाई साहब देख सकते हो ये जो बैटरी है वो 210 grams था, शायद आपने देखा होगा, एंड ये लगभग 217 grams के आसपास है, यानी कि यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी कि अगर इसके हम लोग 8 batteries को मिलाएंगे तब जाके इसके 4 batteries के बराबर पूरेगा। यानी कि उस टाइम जो हमने अनुमान लगाया था कि ये इसका डबल है, उस टाइप पे टाइम पे मैंने बोला था, तो वो हमने सही अनुमान लगाया था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो उसी टाइप का एकदम सेम टू सेम वेट आ रहा है जो कि हमने पहले वाला मंगाया था उसी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 batteries का जो है 217 grams आ रहा है एंड इस वाले 4 batteries का देख सकते हो 209 यानी 10 grams के आसपास आ रहा है, यानी कि ये जो 4 batteries है उसको मिलाओ तब, या फिर इस वाले 8 batteries को मिलाओ तब, तब जाके वेट जो है वो बराबर है। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है एंड आप ही के लिए मैंने ये वाला जो है वेइंग स्केल ख़रीदा है, क्योंकि मैं आप सबों को अच्छे तरीके से दिखा सकूं, ठीक है। सो गाइज इसको हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैं आप सबको सबसे पहले बताता हूँ कहानी शुरू से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने है 10 pieces बैटरी ऑर्डर किया था, जिसका वीडियो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का मेरे को बैटरी मिला था, जो कि इसका अनबॉक्सिंग वीडियो यही है, आप लोग देख सकते हो किस टाइप का बैटरी मेरे को सबसे पहले रिसीव हुआ था। उस वक्त तो जो है मेरे को जो बैटरी मिला था उसके ये इस आगे के टाइप से जो है थोड़ा सा नोक निकला हुआ था, ठीक है, टॉर्च वॉर्च में यूज़ करने वाला। तो उसमें मेरे को रिफंड का ऑप्शन था और रिप्लेस, दोनों का रिप्लेस का ऑप्शन था, ठीक है। तो हमने उस बैटरी को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद जो मेरे को बैटरी मिला वो कुछ इस टाइप का है, जो कि 42 grams के साथ आई थिंक आसपास आ रहा था, ठीक है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, उस टाइप का मेरे को बैटरी मिला। एंड ये जो हमने बैटरी है इसको हमने ले लिया, ठीक है, मैं यानी कि 10 मिला। एंड अब हमको जो है एक और बैटरी पैक बनाना है अपने RC कार के लिए, तो उसके लिए हमने एक और अमेज़ॉन पर देखा, एक डील चल रहा था। जो गाइस ये जो अमेज़ॉन पर डील चल रहा है वो है मेरे को मिला 356 रुपये में, ठीक है, एंड उसमें जो है 7 रुपये जो है हैंडलिंग चार्ज, वो जो बोलते हैं मतलब हैंडलिंग फ़ी जो लगता है 7 रुपये, वो जोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इससे पहले जो मैंने इस वाले बैटरी को ख़रीदा था उसका प्राइस मेरे को अभी नहीं पता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये बैटरी मेरे को उतने में मिला एंड उससे भी सस्ते के चक्कर में मैंने ये वाला ख़रीद लिया, ठीक है। एंड एक और चीज़ मेरे को आपको बताना था कि ये जो बैटरी है भाई, इसको जो है हिलाने पर इस टाइप से देख सकते हो, आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं भी, भाई इस वाले बैटरी में जो है वो कुछ ना कुछ आवाज़ आ रहा है, ठीक है। एंड ये वाला जो बैटरी है वो मेरे मतलब काम नहीं आने वाला है, तो इसको हमने जो है रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस नहीं किया है, इसको हमने रिफ़ंड इस पर क्लेम किया है, ठीक है, एंड इसके बदले मेरे को रिफ़ंड मिल जाएगा। आप लोग इस टाइप की बैटरी जो है परचेज मत करना, ठीक है। आप सबों को ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा इसमें आपको जो है प्राइस एंड अमेज़ॉन पे ये जो डील चल रहा है यहाँ पे आप लोग जाओगे एंड बैटरी ख़रीदोगे तो कुछ इसी टाइप का बैटरी आपको मिलने वाला है, ठीक है। उस टाइम मेरे को ये रिप्लेस का ऑप्शन था तो हमने रिप्लेस किया, तो अच्छी बैटरी मेरे को मिला एंड मैं आगे भी ढूंढते रहूँगा कि कोई अच्छी बैटरी, कोई अच्छा सा डील मेरे को मिला, तो मैं आप सबको उस वाले मतलब बैटरी को परचेस करके एंड उसका अनबॉक्सिंग वीडियो करके दिखाऊँ, ठीक है। एंड आगे आप सबको और भी कुछ दिक्कत हो, और भी कुछ जानना हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगा। एंड इन दोनों वीडियोस को जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि शुरुआत से हुआ क्या है आखिर, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबों को ये थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगे तो दोनों हाथों से लाइक करके चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइंड में कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर से पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।